सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। कैसे हैं आप लोग, रमन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड एसएससी एग्जाम बुलेट 2017 एसआई स्पेशल पार्ट वन। इसमें मैं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ इसके कुछ रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी मैं बताऊंगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, एक बात और, ये सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें से एक दो क्वेश्चंस मेरे हिसाब से आएंगे ही आएंगे, इसलिए ये आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यूपीएससी का गठन कब हुआ, ये क्वेश्चन है 1 अक्टूबर 1926। दूसरा क्वेश्चन है 2016 ब्रिक्स युवा सम्मेलन 2016 कहाँ पे हुआ, असम के गुवाहाटी में। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है, 5 जून को। भारत में पहली लोक अदालत कहां स्थापित की गई, महाराष्ट्र में। फिफ्थ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया कौन है, अजीत कुमार डोभाल। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है, मोसाद। G7 शिखर सम्मेलन 2017 कहां पे हुआ, इटली में। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त कराती है, वह है धारा 370। आगे क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। देखिए आगे क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, वो 7 और अभी है 6, अभी 6 है। भारत में पहली लोक अदालत कहां स्थापित की गई, महाराष्ट्र में। पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री अभी कौन है, साहिद खेखन अब्बासी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर भारत के राष्ट्रपति, तो इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति। देखिए युद्ध की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति दी है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो तीन अनुच्छेद जो मैंने यहाँ पे लिखा है 352, 356 और 360, ये आप लोग याद कर लीजिए। 352 जो अनुच्छेद होता है वो युद्ध और बाहर आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के स्थिति में आपातकाल देश में लगाया जाता है, और देखिए अनुच्छेद 356 ये आपका स्टेट इमरजेंसी है, स्टेट में लगाया जाता है, और अनुच्छेद 360 ये आपका आर्थिक संकट की स्थिति में, फाइनेंशियल क्राइसिस के समय में ये लगाया जाता है 360। चलिए आगे क्वेश्चन, कीवा सुपर लीग खेलने वाली पहली भारतीय महिला बनी, कौन बनी, हरमनप्रीत कौर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, भूपेंद्र नाथ बोस। किस अनुच्छेद के तहत संसद के स्थगन के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 123। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक कोई ना कोई एक एग्जाम में आपका आता ही रहा है ये क्वेश्चन। देखिए मैंने कुछ कलेक्शन किया है, आप लोग इसको देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है, व्योमेश चंद्र बरनजी। ठीक है, यदि पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष वह सरोजनी नायडू। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष आपसे यदि पूछता है तो वह जॉर्ज यूल। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन है, अब्दुल कलाम आजाद। पहली बार गांव में कहां सत्र हुआ था, ये फैजपुर में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। चलिए ये देखिए कुछ पुरस्कार और अवार्ड से संबंधित कुछ मैंने कलेक्शन किया है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले देखिए 64वां राष्ट्रीय पुरस्कार, आपसे यदि पूछता है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन है तो वह है कासव। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अक्षय कुमार, किस फिल्म के लिए, रुस्तम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सुरभि लक्ष्मी, मलयालम फिल्म मीनानी मीनू मंगे के लिए। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म यदि बोलता है निर्जा, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाला बात है, यदि हिंदी फीचर फिल्म बोलेगा तो आप निर्जा मारिएगा और यदि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बोलेगा तो कासव। ठीक है, चलिए और कुछ हम लोग अवार्ड को देखते हैं। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016
शंख घोष को मिला है, किसमें? बांग्ला साहित्य के लिए। उसके देखिए व्यास सम्मान 2016 किनको मिला है? सुरेंद्र वर्मा। सरस्वती सम्मान 2016 किनको मिला है? महाबलेश्वर सेल को। कोकणी साहित्यकार हैं ये। अब देखिए 2015 का उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का ये भारत भारती सम्मान किनको मिला है? विश्वनाथ त्रिपाठी को। ठीक है, और एक आगे देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2017 किनको मिला है? के विश्वनाथ को। चलिए एक बात मैंने देखा है कि हर एक एग्जाम में राष्ट्रपति से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा आते ही आते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना राष्ट्रपति से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने उसका कलेक्शन किया है, जो मैं एक एक करके आपसे डिस्कस कर देता हूं। थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप लोग इसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन इससे रहते ही रहते हैं हर एक एग्जाम में। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं राष्ट्रपति की योग्यता। देखिए राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में यदि पूछता है कि मिनिमम कितना एज होना चाहिए, तो 35 वर्ष। ठीक है, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए और लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी करता होगी। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन अभी देखिए हुआ है हाल फिलहाल में, तो देखिए यदि पूछ सकता है निर्वाचन से संबंधित, तो देखिए ये पूछेगा किसके द्वारा होता है? ये होता है एकल संक्रमणी मत से गुप्त मतदान द्वारा होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। चलिए आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है और भारत के 14वें राष्ट्रपति अभी रामनाथ कोविंद हैं। यदि आपसे पूछ सकता है कि कितने राष्ट्रपति हैं, ये 14th प्रेसिडेंट हुए इंडिया के। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए निर्वाचन मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, यदि पूछता है इसका कार्यकाल कितने दिन का, तो ये 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। राष्ट्रपति पे महाभियोग, देखिए अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। महाभियोग संविधान के उल्लंघन के संबंध में लगाया जाता है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा या लोकसभा में प्रारंभ किया जाता है, तो जिसको प्रस्तुत करते समय सदन के 1/4 सदस्य को समर्थन मिलना चाहिए और प्रस्ताव पारित करने के पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना होगा और प्रस्ताव जो सदन में जो होता है उसका कुल संख्या का 2/3 से अधिक बहुमत से पारित होना चाहिए। और राष्ट्रपति किनको किनको नियुक्त करता है ये भी आप लोग जानिए, ये भी एक क्वेश्चन इससे रहता है। देखिए सबसे पहले प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद एवं अन्य मंत्री, भारत के महान न्यायवादी, फिर नियंत्रण महालेखा परीक्षा जिसको परीक्षक जिसको कैग कहते हैं हम लोग, फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, फिर राज्यों के राज्यपाल, फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, फिर संघ लोक सभा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, यूपीएससी के अध्यक्ष और उसके सदस्य, फिर वित्त आयोग के अध्यक्ष, मुख्य तथा अन्य आयुक्त इत्यादि। देखिए इसमें से कुछ यदि रह गया होगा तो आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको लिखिएगा कि जो जो रह गया है, मैंने वैसे सारा देखा है, फिर भी यदि कुछ रह गया होगा तो आप लोग वहां पे कमेंट बॉक्स में लिख करके शेयर। अगला हम इसका पार्ट जल्दी ही लेकर के आएंगे जिसमें कि साइंस के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन सब रहेंगे। चलिए थैंक यू।